हम गति को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो गति को प्राप्त करने का एक ही मकसद है, वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन से ही कुछ भी किया जा सकता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन ही सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन ही आज आठवां अजूबा है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, सब सड़क आपको अलग अलग दिख रहा है, कौन सा रास्ता सफलता की ओर जा रहा है, इस तरह से आपको अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, कौन सी सड़क सफलता की ओर जा रही है। कुछ लोग इस तरह से काम करेंगे, चालबाजी, इसका लाइन छोड़, राइट, तोड़ तोड़ के इसका पीवी चुराओ, इससे कभी सफलता नहीं आएगी। आएगी थोड़ा समय के लिए आएगी, एक दिन में स्टार एजेंट बन जाओ, बन जाएगा, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। एक दिन में स्टार बन गया, एक महीने का बोनस पड़ेगा, लेकिन इस चालबाजी से नहीं बनेगा। रातों रात करोड़पति हम नहीं बन सकते, हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्रीम को फोकस करना है, सबसे पहले है वाई। तो आप लोगों के लिए एक वाई मैं आज इस प्रोग्राम के साथ छोड़ना चाहता हूँ, बट आप लोग मेरे साथ हैं, yes, सब लोग yes. वो वाई लेके जाना चाहेंगे, yes. महाराष्ट्र को नंबर वन करना चाहेंगे, yes. तो एक जोरदार यस बोलना है इसे, यस, और जोर से यस, महाराष्ट्र डीएक्सएल आएगा सर, क्यों नहीं, इतनी बड़ी ताकत है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एक वाई आपके साथ पावरफुल होना चाहिए, क्यों करना है, पर्पज पावरफुल होना चाहिए। अगर पर्पज होगा कमिटमेंट आएगी, जिसके पास पर्पस है, जिसके पास वाई मजबूत है, उसके पास कमिटमेंट है, जिसके पास कमिटमेंट है उसके पास विश्वास है, जिसके पास विश्वास है उसके पास एक्साइटमेंट है, और जिसके पास ये सब आता है पेशेंस भी आ जाता है सर, पेशेंस भी आ जाता है, ये फेथ के साथ पेशेंस भी जुड़ जाता है। और एक चीज आती है सिस्टम, और सिस्टम बाय द मास, सब लोग अगर एक चीज को करने लगेंगे ना उसको बोलते हैं सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम, सब लोग करना, 99.9% भी नहीं चलता है सिस्टम। सो अगर बिहार में केके अग्रवाल सर का साइन है, मैं उनको गुरु मानता हूं मेरे, और उन्होंने मुझे बताया सर प्रवीण इस रास्ते से जाओगे ना तुम भी देखना कितना आगे जाता हो, इस तरह से आगे बढ़ना, थोड़ा सिस्टम को पकड़ के चलना है, सिस्टम को आगे लेके जाना है, पावर ऑफ यूनिटी के साथ रहना है। आप लोग सब एक होना तैयार है, कोई नहीं बोलेगा पुणे अलग है, महाराष्ट्र अलग है, मुंबई अलग है, कुछ लोग और भी और बेल्ट से आते हैं, अमरावती आ रहे, विदर्भ आ रहे, हमको कहाँ है पता ही नहीं हमें, सब लोग एक है, और यहाँ पे पावर ऑफ यूनिटी है। अगर आप लोगों की मदद करोगे भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। मैं अगर 10 लोगों की मदद करता हूँ ये नहीं सोचना कभी ये मेरी क्रॉस लाइन है, ये मेरी डाउन लाइन है, ये मेरा आदमी नहीं है, ऐसा अगर आप सोचोगे यही सोच मार्केट में यूनिवर्स में चली जाती है और वही डबल होती जाएगी, और एक दिन आपके लोगों को भी उस तरह से लोग मिलेंगे। आप 10 लोगों की मदद करोगे, कितने लोग की सिर्फ, बाहर के 10 लोगों की मदद करिए, आगे जाके आपके 10 लोगों को कोई ना कोई और मदद करता जाएगा, ये यूनिवर्स का खड़ा ताकत है। फॉलो द अपलाइन, 100% अपलाइन को फॉलो करना है। एक डिमोस्ट्रेशन देना चाहूंगा सर जी, आप खड़े रहिए सर, मिलिंद सर, और ये जो पूरा लाइन है वो खड़ा रहना है, सिर्फ एक लाइन सिर्फ खड़ा रहे, ये जो मेरे सामने दिख रहा है वो लाइन खड़ा रहे, सिर्फ अपना हाथ है ना पीछे वाले के हाथ में देना है, प्लीज अपना हाथ हाथ पीछे वाले के, सबने जैसे हम हैंड शेक करते वैसे लास्ट तक चलेगा, लास्ट तक फॉलो द अपलाइन बोल रहा हूं। अब मैं यहां से नितिन सर अपना हाथ छोड़िए, आगे का हाथ छोड़िए, नितिन सर आगे का हाथ छोड़िए, देखिए यहां से सिस्टम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे तीसरे लेवल तक चला गया, चौथे लेवल तक जा रहा है, उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया, हाथ छोड़ दिया, आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये प्रॉब्लम, हर तक नहीं पहुंच सकता ना लीडर, कोई हर तक संतोष कर नहीं जाते, हर तक हम भी नहीं जा सकते, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कट हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो गई, सोच को बदलना पड़ेगा, अगर नंबर वन जाना है ना सोच को बदलना ही पड़ेगा, यही एक मेन राज है हमारा, टीम वर्क जिसको बोलते हैं, एक हारी हुई मैच को भी जीता जा सकता है सिस्टम और एक पावर ऑफ यूनिटी के कारण, पावर ऑफ यूनिटी के कारण उसको हो सकता है। कोई भी चीज अगर करना है, 1 तारीख को हमने शुरू किया, अभी 1 तारीख को 1000 पे करेंगे, और करना शुरू किया, कंपनी भी इतना अच्छा ऑफर डाला, 1 तारीख को ही डाला ना, 1 तारीख को पीवी करो ऑफर मिलेगा, क्योंकि ये पूरा चेंज कर सकता है नक्शा, महाराष्ट्र को भी उसी तरह से आगे बढ़ना है। इथिक्स को 100% मतलब इथिक्स अगर बात करते हैं तो टॉप में पहले होता है, कहाँ पहले होता है, टॉप में, अगर टॉप में इथिक्स पावरफुल बन जाता है, इथिक्स मस्ट बिगिन एट द टॉप एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में इथिक्स जो होता है वो टॉप में होता है, और इट इज ए लीडरशिप इशू, अगर वो नहीं हो रहा है तो लीडरशिप इशू है, एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट सेट द एग्जाम्पल। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, आप अपने टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, यू आर द डायमंड, यू आर अ स्टार, यू आर क्राउन, तो आप अपने टीम के चीफ, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे कोई इसको आगे नहीं करेगा।
तो एक तारीख को 1000 पे करना है। इतिक्स अगर पूर हो जाता है तो शुरुआत में टॉप में अगर इतिक्स पूर हो जाता है तो एनी ऑर्गेनाइजेशन नीचे वही बिहेवियर कॉपी होते जाएगा। और इसी को हम बताना चाहते हैं, कुछ नहीं बदलना है आपको, आदतों को बदलना है। आदतों को बदलने के अलावा आपको कुछ बदलने की जरूरत अग्रोसर का साइड में ये चीज आता है कचरा, क्या बोला इसको कचरा, बट यही से कोमल उमलेगा जगह पे ध्यान देना है अपने। जो भी क्राउन एम्बेसडर भी बन जाता है, क्राउन डायमंड भी बन जाता है, वो लास्ट 31 तारीख को कौन सी पर्फी पे आता है, 21 स्टार रिजन कौन सी पर्फी पे आता है, ट्रिपल डायमंड भी वही आता है। तो सब लोग अगर इधर आते हैं कितना समय वहां रहना चाहिए, और यही एक राज है, उन्होंने वही सोचा कि 1 तारीख को इस पोजीशन से बाहर निकलना। तैयार है आप लोग? 1 तारीख को इस पोजीशन से बाहर निकलना, कचरे से पहले बाहर आ जाओ, कचरे से पहले बाहर आ जाओ। 21% 25 ज्यादा है, उसके लिए 1 महीना नहीं चाहिए, सिर्फ 1 तारीख चाहिए। कितनी तारीख चाहिए? मैं 1000 रुपये करता हूँ और 2 लोगों को जाके जगाता हूँ तो 1 और 1 2 3 3000 रुपये 25% हो जाता है। या फिर अपना ही 3000 रुपये करो, यू आर लीडर्स, खुद का 3000 रुपये करो। तो अगर आप 1 तारीख को उस परसेंटेज के बारे में, तो टाइगर ये बोलना लोगों को, टाइगर जिंदा है, ये लाइन सबको बोलना, टाइगर जिंदा है, नहीं हो रहा तो टाइगर कम से कम तो होना चाहिए। एक साधारण सी चीज है, स्ट्रक्चर को चीज पे ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जब आपका ग्रुप पीवी बढ़ता है और ग्रुप पीवी के साथ डिफरेंट डिफरेंट लाइन से जब पीवी आता है, दैट इज कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं क्राउन, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, नॉट स्ट्रक्चर। आप डबल डायमंड बन गए, फायदा क्या है? स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए। एक डायमंड का भी चेक 3 लाख के ऊपर चला जा सकता है अगर स्ट्रक्चर सही सेट हो रहा है 6 लाइनों में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताया, ग्रुप पीवी, अदर लाइन ग्रुप पीवी, क्वालिफाइंग पिन तीसरे नंबर पे आता है, स्टेटस कितने नंबर पे आता है, हम इसको ही पहले नंबर पे लेके जाते हैं, पिन सर तीसरे नंबर पे आता है। आज से कोई डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन डायमंड की बात मत करना डायरेक्टली, पहले बोलना 6 लाइन है क्या, 6 लाइन में 1000 पी हो रहा है कम से कम ने, मेरा 1000 पी हो, 6 लाइन में कितना पी चाहिए, सिर्फ 1000 कर रहा है तो उतना तो कर रहा है, तो स्टेप नंबर 1 हो रहा है कम से कम। उसको अगर 100% करेंगे, सर्कल नंबर 1, अगर उनसे से मैंने बात किया सर 3000 पी हमने ड्राइव करके भी देखा लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है मुझे समझ में, नहीं डुप्लीकेट कर पा रहा है, तो मुझे केजे ने बताया, केके सर ने बताया, प्रवीण हमने भी 3000 पी नहीं शुरू किया था, पहले कितना पीवी शुरू किया था, आप लोग तैयार है? 1000 पीवी, कितना पीवी शुरू में, कितनी तारीख को, 1 तारीख को। आगे एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, ये जो करेंगे और 6 लोगों का सर्कल पूरा करेंगे, कल ही भाई ने बताया था, ये सर्कल पूरा करेंगे 36 महीने में 1 करोड़ पीवी आ सकता है सर। 36 महीने में क्यों नहीं आ सकता, 100% आ सकता है, और इस तरह से नहीं जाना है अपने को। हेलो, और यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर 36 महीने में 1 करोड़ पीवी करना है, 1 तारीख को फॉलो करिए, कितने तारीख को, 1 तारीख को। एक और एक चीज उनके हम देखते हैं, ओपनिंग पीवी रजिस्टर बात किया था, क्या बताया था, यहाँ पे आया था ओपनिंग पीवी रिपोर्ट, मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय ओपनिंग पीवी रिपोर्ट का मतलब, ओपनिंग का मतलब क्या है, नहीं सर आज बताता हूँ सीक्रेट, कितने लोग स्टॉकी से जरा खड़ा रह सकते हैं यहाँ पे, प्लीज सब स्टॉकिस्ट खड़ा रह सकते हैं, महाराष्ट्र ऑल टॉप स्टॉकिस्ट, सभी स्टॉकिस्ट, एक जोरदार ताली है स्टॉकिस्ट के लिए, जोरदार ताली। मुझे सीक्रेट बता रहा हूँ ना, अभी आरबीसी का सीक्रेट है, आरबीसी को जड़ जड़ लेके जा रहे तो क्या कर रहे हैं वो भी मालूम नहीं अपने को, कैसे कर रहे हैं आगे, कैसे आपको अच्छे नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 55 लाख भी 1 तारीख में कैसे होता होगा, 22 लाख भी सुबह सुबह कैसे आता है, अच्छे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 22 लाख भी मतलब तकरीबन 60 लाख का सेल 9 बजे से पहले, हो कैसे, उसका नाम क्या है, ओपनिंग। क्या कर रहे हैं, 3000 पे खुद का करना, कितना पे करेंगे, जितना जल्दी हो सके, अगर 1 तारीख को 1000 पे करेंगे पक्का, वादे के साथ बताता हूँ आपका, 30 तारीख से पहले 3000 पे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका कंज्यूमर बेस भी अच्छा है, राइट। अगर आपका 3000 पीवी से ऊपर 500 भी पीवी आ जाता है, कितना पीवी आ जाता है एक्स्ट्रा, तो सिस्टम कैसे बनाया, देखो हर स्टॉकिस्ट के पास एक रजिस्टर बना दिया, ओपनिंग पीवी रजिस्टर, कौन सा ओपनिंग पीवी रजिस्टर, और जो एक्स्ट्रा 500 पीवी आ रहा है उसको क्या किया, देखो ये कंपनी का काम नहीं, ये तो लीडर्स ने किया, ये तो स्टॉकिस्ट ने कर दिया, और उसको 500 पीवी को वहां पे बिल में डाल दिया अगले महीने के ओपनिंग के लिए,
अगले महीने के ओपनिंग के लिए अगर 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है तो 3000 तो हो गए, मतलब पहला तो मैंने जो बताया गया सिस्टम ने मैंने किया, अब एक्स्ट्रा 1000 आ रहा है ना अगले महीने की 1 तारीख को डाल दिया। फायदा क्या हुआ, अगले महीने के 1 तारीख को सुबह सुबह 30-30 लाख पीवी दिख रहा है अपने को। ताली बजा सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, सब लोग मिलना होगा ना इससे, राइट। सब टॉकी अगर इसके साथ काम करेंगे 100% कर सकते हैं। स्टार्ट कॉम्पिटिटिंग, हम दूसरों से कॉम्पीट करते जाते, सीखना पड़ेगा ना इन लोगों से क्या करते अलग, ऐसा कुछ जो हम नहीं कर पा रहे और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट कॉम्पिटेड विथ यूर सेल्फ। आप पिछले महीने में कितना पीवी किया, अभी कितना कर रहे, वॉल्यूम कितना आ रहा है, लास्ट के महीने में कितना लाइन में पीवी आया था, ये अपने आप से कॉम्पीट करते जाएंगे। यू वर्सेस यू, आपका मोटिवेशन किसके साथ है सर, ये रियल मोटिवेशन। आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है, आपकी स्पर्धा किसके साथ है, यू वर्सेस यू, आपका कॉम्पिटिशन आपके साथ है। हम दूसरे से करते जाते हैं, वो इतना कर रहा है, वो उतना कर रहा है, राइट। इसका कम हो रहा है, उसका कम हो रहा है, दूसरों की लोगों की चिंता हमें बहुत है, अपने लिए नहीं बात कर रहे। यू वर्सेस इट इज योर इज बिजनेस, ये आपका बिजनेस, इस पर जोर से बोलिए माय बिजनेस, माय बिजनेस, ऐसा साथ रखना पड़ता है दिल से, माय बिजनेस, ये हम माझा बिजनेस आए, हमारा बिजनेस, हम माझा बिजनेस आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना चाहिए, इतना अकेला करना सर, तैयार है, तैयार करा सर, विश ऑल द बेस्ट। आणि एकच आहे, 7 डिसेंबरला कमीत कमी प्रत्येकाच्या टीम मधून जास्तीत जास्त मिलेनियर, जास्तीत जास्त मिलेनियर माइंडसेट का 2020 कमीत कमी 1 लाख तर पाहिजे, म्हणजे पाहिजेच, नाही काही उपयोग नाही। 2020ला 7 डिसेंबरच्या अगोदर 1 लाख चेक घेऊनच सिद्धिपेठला हजर व्हायचं, तयार ऑल द बेस्ट। अगर सब लोग 1 लाख के लिए रेडी हो जाएगा, सिस्टम की तरह काम करेगा, आरबीसी को पूरी तरह फॉलो करेंगे, पूरी क्राउड के साथ ताकत लगाएंगे, तो आने वाले प्रोग्राम में 7 दिसंबर में सबसे ज्यादा मिलियनेयर महाराष्ट्र के निकल सकते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। विश ऑल द बेस्ट, सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ, थैंक यू।